तो जैसे हम कंपनी में कोई काम करते तो हम बोलते हैं कलीग, हमारा कलीग है, वो हमारा कलीग है, तो वो एक लगता है प्रोफेशनली सिर्फ सीमित रह गया है। बट यहाँ पे अगर आप किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। सब चिल है। सब सब चिल है यहाँ पे एकदम। काम ओके करो, मजे करो, ये फंडा है आकर। मैं तो ये बोलता ग्रेट। सबको। पहले मैं मोबाइल डेवलपमेंट लाइक करता आपने था, जीरो से यहीं पे स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया यहाँ तो पे। मतलब जीरो से आप हाँ, हीरो तो बन मैं गए यहाँ पे। सीखता चला गया यहाँ पे। तो कितने टीम मेंबर्स हैं आपके साथ अभी? आई गेस, अब आई गेस तो नहीं बोलना चाहिए। मेरे पास टीम मैनेज करने की स्किल नहीं थी पहले, जब मैं इनिशियली आया था मेरे को बहुत डर लगता था लोगों से बात करने में, उनको समझाने में। बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं टीम हैंडल कर सकता हूँ। इफ यू वांट मोर वीडियोस ऑफ सब्सक्राइब बटन दबा दे, कौन सा बटन हुआ गाइस। तो मुजाहिद आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे कि कैसा आपका एक्सपीरियंस था शीटिंग के साथ? आपने 4 साल कंपनी को दिए हैं, सो हाउ इज योर एक्सपीरियंस शेयर? यार इट वाज रियली गुड। मतलब 4 साल हो गए, तुमने बताया मेरे को, मुझे तो याद भी नहीं था कि 4 साल हो गए। तो लाइक जब से स्टार्ट किया है मैंने, तो अभी तक मेरे को जितना भी सपोर्ट चाहिए था, जितना भी मेरे को सीखना था, आज भी इतना मेरे को सीखना रहता है। मेरे को मतलब सब चीज़ यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी है और सब चीज़ यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, तो इट वाज रियली वेरी गुड। ओके लाइक आपने शीटिंग की जर्नी बहुत स्टार्टिंग से देखी है, हाँ तो क्या आप मुझे बताओगे कि शीटिंग की स्टार्ट कैसा था और आपका ग्रोथ पर्सपेक्टिव वहां जूनियर से सीनियर लेवल तक कैसा था? सो स्टार्ट में तो लाइक बहुत छोटी टीम थी हमारी, मतलब 5-6 लोग ही थे हम स्टार्टिंग में। तो एक छोटा सा ऑफिस था हमारे पास, पहले टेबल हुआ करते थे, फिर एक छोटा सा ऑफिस आया, तो सब एक साथ बैठे हुए रहते थे एक टेबल के ऊपर ही, वहीं कचरा हो रहा है, वहीं काम कर रहे हैं, वहीं सो रहे हैं। बट वो जो टाइम था वो बहुत अमेजिंग टाइम था, और शायद उसी से इतनी अच्छी टीम थी हमारी स्टार्टिंग वाली, उसी से हम आज इतना बड़ा ऑफिस में बैठे हैं और इतनी सारी टीम हमारी। ग्रेट। तो या सो आपका जो ग्रोथ पर्सपेक्टिव था एक स्टार्टिंग टू एंड, वो आप मुझे थोड़ा शेयर करोगे कि कैसा था? आप जूनियर लेवल पे कैसे चीजों को डील करते थे एंड नाउ यू आर अ टीएल, यू हैव अ टीम, तो आप उसको कैसे डील करते हो? सो प्लीज। तो स्टार्टिंग में जब मैं आता आया था तो मैं इंटर्नशिप करने के लिए आया था यहाँ पे, तो मुझे ओके जीरो नॉलेज था, मतलब मेरे को कोडिंग आती भी नहीं थी। एक फंक्शन क्या होता है, एक वेरिएबल क्या होता है, मैं कुछ नहीं पता था। तो जब बिंदु दी, बिंदु मैम जो है, तो मैं उनसे सीखता था। ओके उन्होंने मेरे को सिखाया स्टार्टिंग में कि कैसे कोडिंग करते हैं और क्या स्टाइल होती है कोडिंग की। पहले ओके मैं मोबाइल डेवलपमेंट लाइक करता आपने था, जीरो से यहीं पे स्टार्ट किया है, बिल्कुल जीरो से मैंने स्टार्ट किया यहाँ तो पे। मतलब जीरो से आप हाँ, हीरो तो बन मैं गए यहाँ पे। सीखता चला गया यहाँ पे, सीखता चला गया ओके यहाँ पे। फिर धीरे धीरे जब उनको लगा कि अब मेरे को कुछ आ गया है सीखना, और उनको लगा कि अब मैं टीम हैंडल कर सकता हूँ, तो मेरे पास टीम आई। ओके तो अब इस तरह मैं टीम भी हैंडल कर रहा हूँ और प्रोजेक्ट भी हैंडल कर रहा हूँ। ओके तो कितने टीम मेंबर्स हैं आपके साथ अभी? मेरे पास अभी लाइक 7 to 8 people है टीम के अंदर। ओके तो आप उनको कैसे गाइड करते हो और कैसे आप टीम मैनेज करते हो अपना पूरा? लाइक अब ऐसा नहीं है कि टीम मैं को रोज जाके पूछना पड़ता है लोगों से कि कौन क्या काम कर रहा है। मैंने सबको मतलब यहाँ पे सब ऐसे अलाइंड है कि उनको पता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उनको काम क्या है। तो वो रोज आते हैं, अपना काम करते हैं, अपने मजे करते हैं, और जब भी उनको कुछ इशू होता है, कुछ पूछना होता है, कुछ फंस जाते हैं, तो वो मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं, फिर मैं उनकी हेल्प करता हूँ, मैं उनको बताता हूँ कि यहाँ से ऐसे हेल्प ले सकते हैं अपन, ये ऐसे कर सकते हैं। लाइक आपको रेगुलर बेसिस पे अपडेट रहता है कि आपकी टीम किस चीज पे काम कर रही है, कहाँ पे वो स्टक है? इफ आई आस्क यू इन अ मॉनेटरी टर्म कि आपको कितना ग्रोथ यहाँ पर दिख रहा है इस कंपनी में, और आप कितना और इस कंपनी में अपना इन्वेस्ट करना चाहोगे? मॉनेटरी टर्म की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिना कहना चाहूंगा कि जब मैंने काम करना स्टार्ट किया था तो मेरा हमेशा ड्रीम था कि मैं एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करूं, क्योंकि उसकी ग्रोथ लिमिट में नहीं होती है। एक छोटी टीम भी कुछ बड़ा बना सकती है। yes. तो वही हम यहाँ का ड्रीम है वैसा हमारा भी सोच पे जब हम काम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो हमारा हम बना रहे हैं प्रोडक्ट वो बहुत लोगों तक पहुंचे। जितने लोगों तक वो पहुंचेगा उतना ही कंपनी का ग्रोथ होगा, उतना ही उनके टीम मेंबर्स का ग्रोथ होगा। तो ऐसा नहीं है कि हमको टीम बढ़ानी पड़ेगी तो ही ग्रोथ बढ़ेगी, हमको अपना प्रोडक्ट अच्छा करना है, ऑटोमेटिकली टीम और मॉनिटरी सब तब बढ़ जाएगा। ग्रेट। और यहाँ के वर्क एनवायरनमेंट के बारे में आप क्या बोलोगे? बहुत बहुत चिल है आकर, लाइक कोई ऐसा एक्सेप्शन नहीं है कि आपको यहाँ बैठना है, यहाँ इतना टाइम तक काम करना है, या आपको साइलेंस मेंटेन करना है, क्योंकि आप सब चिल्ला चोट करते रहते हैं यहाँ पे, सब गाने चलाते रहते हैं। जिसका मन कर रहा है वो टीटी खेल रहा है, जिसका मन कर रहा है वो बाहर क्रिकेट खेल रहा है। तो बस ये है कि सबको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसको कितना काम करना है, वो उतना काम करता है। अब वो चाहे 1 घंटे में कर ले या 10 मिनट में कर ले, पूरा दिन निकाल ले,
बचा हुआ टाइम वो मस्ती कर रहे हैं। तो यहाँ पे डोंट यू फील एनी रिस्ट्रिक्शन और एनीथिंग? नहीं, सब चिल है। सब सब चिल है यहाँ पे एकदम। काम करो, मजे करो, ये फंडा है यहाँ का। तो मैं तो ये बोलता सबको। ओके, एंड आपको क्या लगता है कि अगर कोई एम्प्लॉय हमारे साथ जुड़ेगा तो उसका एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव, क्योंकि लोग आजकल ग्रोथ को लेके बहुत ज्यादा वो है कि अगर आप प्रेशर से भी बात करोगे तो वो पैसा भी देखता है और ग्रोथ भी देखता है, तो आप उनको क्या गाइड करोगे कि वो कैसे यहाँ पे इस कंपनी में आके कैसे ग्रो करे? ग्रोथ और पैसा दोनों अलग अलग चीज होती है मेरे हिसाब से। अगर आप ग्रोथ को चेस करोगे तो पैसा ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा आपका, लेकिन आपसे पैसा को चेस करोगे तो एक समय आएगा कि आपकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप उस सब सीख नहीं पाओगे। आपको जितना आप सीखोगे, स्किल करोगे अपने आपको, उतना आपको पैसा बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास लाइक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है काम, स्किल्स डेवलप करने की, ग्रोथ करने की, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ सीखना है तो आप सीधा के बोल सकते हो कि मेरे को ये सीखना है, मेरे को ट्राई करना है, और आपको उसका टाइम मिल जाएगा कि आप ठीक है ट्राई करो। अगर अपन लगा सकते हैं अपने प्रोडक्ट में तो लगा लेंगे, वरना कोई बात नहीं, उसकी लर्निंग हो जाएगी, हमारी भी लर्निंग हो जाएगी। ग्रेट। तो और यहाँ पे मतलब आपको सीखने के लिए लाइक लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं पूछूं तो आपका लर्निंग यहाँ पे कैसा था? लाइक आपने तो बहुत इनिशियली स्टार्ट किया है तो सब चीज आपने यही सीखी है, बट एड ऑन आपने उसके अलावा यहाँ पे और क्या सीखा है? उसके अलावा मैंने यहाँ पे मेरे पास टीम मैनेज करने की स्किल नहीं थी पहले, जब मैं इनिशियली आया था। हाँ। मेरे को बहुत डर लगता था लोगों से बात करने में, उनको समझाने में, बट नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि मैं टीम हैंडल कर सकता हूँ, मैं उनकी क्वेरी रिजोल्व कर सकता हूँ, चाहे से वो काम से रिलेटेड हो या कुछ और रिलेटेड हो, मैं कर सकता हूँ उन लोगों को। तो आई गेस ये मेरी स्किल्स यहाँ पर डेवलप करी है, ये वन ऑफ द स्किल है जो मैं बता रहा हूँ, जो मेरे को लगता है कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुई अभी तक। ओके, यही आई गेस। या ओके, और अभी तक आपके जो एम्प्लॉय रिलेशंस हैं, लाइक कंपनी बॉन्डिंग जिसको कहते हैं, वो आपका कैसा है? लाइक इट वेरी इनिशियल लेवल पे जो है, डायरेक्टर्स से लेके लाइक जो लोअर एम्प्लॉय तक है, आपके रिलेशन उनके साथ क्या है और एक वो क्या है आपका? तो जैसे हम कंपनी में कोई काम करते तो हम बोलते हैं कलीग, हमारा कलीग है, वो हमारा कलीग है, तो वो एक लगता है प्रोफेशनली सिर्फ सीमित रह गया है। बट यहाँ पे अगर आप किसी से पूछोगे तो वो बोलेगा ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, ये मेरी फ्रेंड है। तो यहाँ पे मतलब उस टाइप का एनवायरनमेंट है, यहाँ पे लगता नहीं कि मैं कलीग से बात कर रहा हूँ, ऐसा लगता है मैं दोस्त से बात कर रहा हूँ और वो मेरे से सेम उसमें बात करता है। तो बहुत ही फ्रेंडली है। जो कॉर्पोरेट कल्चर होता है वो शायद मैं तो आज तक देखा भी नहीं, क्योंकि मेरी फर्स्ट कंपनी है इसमें अभी तक टिका हुआ हूँ। तो आई गेस मेरे को लगता है कि सब एनवायरनमेंट, सब कंपनी एनवायरनमेंट सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए। Great. So, thank you, Mujahid. That's all from our end. And thank you so much for sharing your insights. Thank you very much.